जल्दी हेल्प करवाइए मेरी से, काम कराओगी? रोजेदार मैं भी हूँ, गलत बात बिल्कुल नहीं है, सही बात है, मैं भी थक गई हूँ ना। लाइन पार्क वगैरह भी लगा लिया है। ओके चलो, आप लोग बिल्कुल रेडी हो? ओके जल्दी जाओ गाड़ी। हाँ माशाल्लाह, घूमिए, घूम के दिखाइए। मेरे मियाँ जी भी रेडी हो गए, ये भी, इन्होंने भी ना लाइन पार्क लगा लिया माशाल्लाह। पीछे मुड़ो ड्राइवर, ड्राइवर जल्दी पहुंचाओ हमें अवतार से पहले। इसकी आज बर्थडे है। अरे वाह, प्यार है ना मुझे तो। और अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नए ब्लॉग का आगाज कर दिया है मैंने। सबसे पहले तो आप सबको रबी अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो, आज ईद मिलादुन्नबी है। और अभी जो है मुझे बहुत सारा काम करना है, के अलावा जो है अभी सबसे पहले जो बरीड़ा का काम मैं कर रही थी, यानी कि अगेन जो मैं बरीड़ा के फ्रॉक सिलाई कर रही थी, उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। सुबह के 6 बजे मैं सो गई थी सहरी वहरी करने के बाद। ओके अभी मैं उठी हूँ 10 बजे, और अभी इस वक्त जो है मैं सबसे पहले बरीड़ा का कपड़ा रेडी करूँगी, उसके बाद जो है किचन में जाऊँगी, फातिया के लिए जर्दा बनाऊँगी, फिर बच्चों को उनके कपड़े निकाल के दूँगी, उनकी तैयारियाँ करवाऊँगी और अपने लिए तैयारी करूँगी। अम्मी के घर आज जाना है फातिया वगैरह करवाने के बाद। तो आज जो है मैं रोज़ा हूँ, और मेरे बच्चे भी रोज़ा रखे हुए हैं, और मेरे हस्बैंड, हम सब ने रोज़ा रखा है। ओके तो आज मैं अम्मी के घर मुझे जाना है, अफ्तार से पहले जाना है, क्योंकि अफ्तार जो है अम्मी के घर जाने के बाद ही करना है, और उसके बाद फिर फातिया के लिए किचन में जाती हूँ जर्दा वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि मैं आज बनाऊँगी जर्दा मीठे मीठे में, मतलब जर्दा बनाऊँगी, वो फातिया करवाऊँगी। रात क्या सुबह हो गई थी, 6:45 का टाइम हो गया था। अब आज का जो है इसको फिनिश करती हूँ, और फिर फातिया के लिए जर्दा बनाऊँगी मैं। चावल चढ़ा दिया है। ओके जर्दा बनाने की तैयारी करती हूँ जल्दी से, और सारे सामान आ गए हैं जर्दा के लिए, आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा ये जो है घी अलग से मंगवाया है, ठीक है। ये मुरब्बे जिसको अशरफिया कहते हैं, रेड कलर का। ओके ये ग्रीन अशरफिया, बादाम, पिस्ता, जर्दे का रंग जबकि घर पे मौजूद था लेकिन फिर भी मैंने मंगवाया, यानी कि ये प्रॉपर जो है जर्दे का सामान है, ठीक है। ये जर्दे का रंग है, ये कटा हुआ खोपरा है, अशरफियाँ हैं, घी है, चीनी है, और ये है रसगुल्ले। पता नहीं रंग बिरंगी मिठाइयाँ कहते हैं, रसगुल्ला कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। ये भी जर्दे में डालती हूँ, और उसके अलावा मैंने खोया यानी कि मावा ये भी मंगवाया है थोड़ा सा। अभी ये सारा सब कुछ जो है मुझे तैयार करना है, जिसमें ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। काम कीजिए यार, जल्दी हेल्प करवाइए मेरी से, काम कराओगी? रोजेदार मैं भी हूँ, रोजेदार से काम करना कितनी गलत बात है। गलत बात बिल्कुल नहीं है, सही बात है, मैं भी थक गई हूँ। तरीके से गुजारता नहीं नहीं, अभी बरीड़ा के कपड़े सिलाई करके मैं थक गई हूँ। नहीं नहीं जल्दी 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 मेरी हेल्प करवाइए जल्दी, टाइम बहुत कम है। बरीड़ा के कपड़े सिलाई करके मैं थक गई हूँ। ये खोल खोल के तैयार करें, और जो है किशमिश को ये इससे बादाम से अलग करें, जल्दी करें। मियाँ जी घर आ गए, इनसे मदद ले रही हूँ, मदद मतलब ऐसी मदद जो घर पे काम पे होता है, ठीक है। सब कुछ करूँ मैं, और जो है नाम वैसे भी ये कमाते हैं, तो आज यार ये जो है ना बादाम और आपने किशमिश जो एक किया है इसको अलग करवाइए, ठीक है। ओके अलग करवाइए इनको, दोनों से आपस में जुदा कर दें इन दोनों को अलग अलग। ओके हो जाएगा यार, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो डाल दिया जल्दी। अच्छा ये बताइए, जल्दी बताइए, गाड़ी वाले को कॉल किया? मैंने अभी तक किया था। यार ये क्या बात हो गई, मैं तो काम कर रही हूँ बरीड़ा के, करना चाहिए ना एक यार, मैं कैसे करूँ यार, मैं तो बरीड़ा के कपड़े सिलाई करके अभी फारिग हुई हूँ, और जल्दी से यहाँ पे आई हूँ मैं ये सारी तैयारी करने के लिए। मैंने सारे काम कर लिया, आप गाड़ी वाले को जल्दी फोन कीजिए, ये फिनिश अफ्तार से पहले पहुंचना है हम सबको। लेकिन मेरे मियाँ जी ऐसे हैं ना कि इनके काम ही निराले हैं, अभी तक का गाड़ी वाले को कॉल भी नहीं किया, और मैं जो ही यहाँ जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। आप गाड़ी वाले को कॉल कीजिए यार, प्लीज जल्दी। तो आपका सेटिंग सही है? नहीं, चीनी कम पड़ जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं डलता है, तुम डाल लो, आपकी मर्जी है, मैं डाल दूंगी आज आपके आजमाइश के। अरे डाल लो, मगर चीनी 19-20 रखा जाता, बराबर नहीं रखा जाता। ठीक है मैं डाल देती हूँ, कम होगा तो आप समझिएगा, वैसे भी मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ। 700 ग्राम है, डाल लो, कोई बात नहीं भाई। ये मशीन यहाँ इसी तरह से रखा हुआ है, और उमैद माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे तैयार हो गए हैं। उमैद रोज़ा नहीं है, और उमैद भी रोज़ा नहीं है, ठीक है। तो ये फातिह का खाना किसी के यहाँ से आया था, बिरयानी है शायद ना, हाँ बिरयानी है, छोले बिरयानी है। ओके और ये उमैद और उमैद बैठ के खा रहे हैं। हाँ बेटा जी, तैयार हो गए आप लोग? दिखाओ माशाल्लाह, इनका जो है ये सूट बहुत प्यारा सा सूट है, इसको मैंने सिलवाया है, पहले का कपड़ा था रखा हुआ,
कपड़ा ऐसा होता है ना कि मैं पहले के रखे हुए से, मतलब जैसे पिछले साल लिए थे ना तो सिलवाए नहीं थे मैंने, दो सूट ले लिए थे तो एक सिलवा दिया था एक नहीं सिलवाया था, तो ये इस साल सिलवा दिया मैंने। और ये सूट उसैद का, अभी उसैद तैयार नहीं हुआ, उसैद अभी तैयार होगा। ये वाला सूट जो है ना इंडियन कुर्ता है, पंजाबी कुर्ता, ये मेरे हस्बैंड का है। और ये मेरे हस्बैंड को जो है इंडिया से आया था और उनके चचा ने दिया था, मोहित अब्बू ने भिजवाया था आज़ाद के लिए इंडिया से, ठीक है। अच्छा अभी ये भी तैयार होने वाले हैं, बहिरा का भी फ्रॉक रेडी हो गया है, अभी इसको प्रेस करूँगी मैं। ओके फिर इसका ये देखे, ये इसके स्लीव्स है, सही है, ये मैंने इसका डिज़ाइन बहिरा का तैयार किया है। ओके ये बहिरा का फ्रॉक रेडी है। वैद क्या ख्याल है आज, क्या है आज है, आज है, आज तो हम भूल गए, इधर आओ, भूले नहीं, हम सबको याद था, ठीक है। तो आज जो है ईद मिलादुन नबी के साथ साथ जो है आज एक और चीज़ है, ठीक है, वो ये है कि मेरे इस बेटे का जो आज बर्थडे है, ठीक है, आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर को मेरा ये बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह पैदा हुआ था, इसकी पैदाइश के दिन है 17 सितंबर, आज इसकी बर्थडे है और आज ईद मिलादुन नबी भी है। ओके तो कल हम लोग इसको विश करना भूल गए थे, इसलिए क्योंकि ये सो गया था, इसको नींद आ रही थी, वरना 12 बजे हम इसको विश कर देते, तो इसकी जो बर्थडे है वो कभी और सेलिब्रेट करेंगे। ओके सही हूँ मैं, उदास मत होना, ईद मिलादुन नबी के बाद जो है ना रबी अव्वल के बाद फिर हम आपको कहीं लेके जाएंगे घूमने के लिए। तो ये मेरे बेटे का प्यारा प्यारा हैप्पी बर्थडे, मेरी जान हैप्पी बर्थडे। ये जर्दा भी तैयार हो गया है, ओके ये निकाल रही हूँ, ये जर्दा तैयार है, ओके चेक करो यार, धुआं निकल रहा है इसमें से, इसमें अभी सारी चीज़ें डालती हूँ, पहले सबसे पहले जो है इसमें खोया ऐड कर दूँगी, अभी आधी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी और आधी जो है वो बचा के अभी रखूँगी, जब फातिया के लिए निकालूँगी ना उसके लिए रखूँगी। ये मिक्स कर देती हूँ, ओके ये ज़र्दा तैयार है। बाकी बेटी ये फातिया के लिए रेडी कर दिया मैंने, इसको फातिया करवाना है, ओके, और बाकी जो है ये इसके अंदर मौजूद है सारे, और इसको फातिया के लिए रेडी कर दिया है, ये मौजूद है, बाकी इसका सारा सामान बचा हुआ अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, और सारे जो रसगुल्ले वगैरह है, बाकी ये जो भी है इसके अंदर खोया वगैरह, ये सब ऐड कर दूँगी। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा बनाती हूँ, आप लोग कहेंगे कि मैं अपनी तारीफ़ खुद करती हूँ, जी नहीं मैं नहीं करती हूँ, पहले हर कोई करता मेरी तारीफ़, उसके बाद अब मुझे आदत हो गई अपनी तारीफ़ करने की, और तारीफ़ क्यों ना करूँ यार, वाकई मैं हर चीज़ अच्छी बनाती हूँ, ठीक है। और आज जो है मुझे याद आ गई बहुत शिद्दत से, वैसे याद आने की तो ज़रूरत नहीं क्योंकि वो हमेशा याद रहते हैं, लेकिन आज स्पेशली याद आ गए उनके, तो आज स्पेशली याद आ गई उनकी, वैसे वो हमेशा याद रहते, कभी ऐसा नहीं होता कोई पल के उनको भूल जाओ, ये नामुमकिन सी बात है। तो आज मुझे मेरे अब्बू बहुत याद आ गए, मेरे प्यारे अब्बू जान मुझे बहुत याद आ गए, और मेरे प्यारे अब्बू जान जो कि मेरे हाथ का ज़र्दा बहुत पसंद करते थे और कहते थे मेरी बेटा रानी बहुत अच्छा बनाती है, तो आज मुझे मेरी शिद्दत से हर पल मुझे मेरे अब्बू मेरी अम्मी मुझे याद रहते हैं, कोई पल नहीं होता कि उनको भूला जा नहीं सकता है, माँ बाप भूलने वाली चीज़ नहीं होते, कहते ना हम सांस लेना भूल सकते हैं लेकिन माँ बाप को याद करना नहीं भूल सकते, तो मेरी अम्मी मेरे अब्बू हमेशा मुझे याद रहते, वो हम कभी उनको नहीं भुला सकते, ठीक है, और याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन आज इसलिए याद आ गई इस ज़र्दे की बात पे, तो अब्बू को मेरे ज़र्दा बहुत पसंद था, अल्लाह पाक मेरे अब्बू अम्मी को जन्नत फिरदौस में आला मौका अता करें, आमीन। ये मिठाइयाँ जो है ये थोड़े बच गए हैं और इनको रख देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको फ्रीज में रखती हूँ, और ये फातिया के लिए रेडी कर लिया है, ओके ये फ्रीज में रखती हूँ और इसको भी ढक देती हूँ, ओके। तो ये है मेरे ज़र्दे का फाइनल लुक, ओहो क्या ज़र्दा बनाया माशाल्लाह, फातिया हो जाएगा और मैं जा रही हूँ पहले रेडी होने के लिए। भाई हमारे यहाँ फातिया हो गया यार, गाड़ी वाले को फ़ोन किया था, गाड़ी वाला भी नहीं आया और उसकी कॉल नहीं लग रही है, अब आप लेकर आइए गाड़ी, फिर फातिया हो गया माशाल्लाह। हाँ मैं लगा रही हूँ, आप गाड़ी लेकर आइए,
माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, चेक करो यार, ये इसका फ्रॉक है, ये अभी इसको मैं तैयार कर रही हूँ। चूड़ी दिखाओ बेटी, हाथ दिखाओ अपने दोनों हाथ। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना यार इसको देखकर, माशाल्लाह लाल हो गए इसके हाथ पूरे, माशाल्लाह ज़रूर कहना भाई मेरी बेटी को देख के। कितने खड़े हो? तो माशाल्लाह भाई मेरे बच्चे तैयार हो गए हैं। उसैद ये है, उबैद, उमैद, बरीरा, और ये नालाइन पाक वगैरह भी लगा लिया है। ओके चलो आप लोग बिल्कुल रेडी हो? ओके जल्दी जाओ, गाड़ी आ गई है, बहुत देर हो गई है, बहुत ज़्यादा देर भैया। आप दिखाइए माशाल्लाह माशाल्लाह, घूमिए घूम के दिखाइए माशाल्लाह। चलिए चलो भाई, मेरे मियाँ जी भी रेडी हो गए, ये भी इन्होंने भी नालाइन पाक लगा लिया माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारे लग रहे। चलिए चलते जल्दी चलिए। आप क्या चलाएंगे? आप रक्षा चलाएंगे? ये क्या हो रहा भाई, चलाइए। हनीफ भाई ये चला रहे, रक्षे वाला गायब हो गया, यहाँ से मिठाई भरती है और वो चला गया मिठाई लेने के लिए। और ये हमारा ड्राइवर, ये पीछे मुड़ के देखे, पीछे मुड़ो ड्राइवर, ड्राइवर जल्दी पहुँचाओ हमें अवतार से पहले, गाड़ी नहीं मिल रही थी। जिसके गाड़ी में जाते हैं वो कोई भी नहीं है, सबका मोबाइल ऑफ है, कोई भी जाने को तैयार नहीं है। और इस टाइम में अब पता नहीं हम अवतार से पहले पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, अभी एक घंटा टाइम बचता है। जल्दी दिखाओ, ये किसकी बेटी है यार, किसकी बेटी है ये? नहीं नहीं आपकी बेटी नहीं है, किसी बेटी बेटी ये किसी शहजादी है, कोई तो शहजादी है, किसी राजा की बेटी है। आप दोनों की बेटी, ये तो किसी राजा की बेटी लग रही है यार, बड़ी खूबसूरत सी शहजादी है। तुम मेरी हम दोनों की बेटी हो? माशाल्लाह ये हम दोनों की बेटी है भाई। आज मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी लग रही है और मेरे मियाँ जी तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। हाँ भाई एप्पल कैसे दे रहे हैं आप? फ्री में दे देंगे ये एप्पल, फ्री में दे देंगे। अंगूर भाई यहाँ फ्रूट है, ये हमारे हनीफ भाई है, ये हमारी शॉप के सामने होते हैं, ये ड्राइवर है। जल्दी चलाओ यार हमें पहुँचना है। आज हमारे साथ बहुत बैड लक हो गया, बैड लक ये हुआ जो रक्षा लेकर आए थे मेरे मियाँ जी आधा एक घंटा के इंतज़ार के बाद स्टॉप पे जाके बहुत दूर से बीच रास्ते में आके उसने हमें उतार दिया कि नहीं हमारी गाड़ी का जंग जो है वो थोड़ा ख़राब है, आप लोग दूसरी गाड़ी कर लो। अब दोबारा दूसरी गाड़ी की अब बहुत मुश्किल लग रहा है, भाई को बोला जल्दी कीजिए भाई। और अभी जो है रोड बहुत जाम हो रहा है, इस वजह से अंदर से निकाल रहे हैं। और ये भागते हुए गए, ये दो चीज मिल गई है, वाह बरीरा। हाँ 10 से 15 मिनट रह गए अफतारी में, हर साल का रोना है इसी जगह पे आके, हर साल इसी जगह पे आके हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। ओके ये गधा गाड़ी तो सुना है, ये ऊँट गाड़ी भी यहाँ पे चल रहा है। ओके भाई अजान हो गई नहीं यार, अभी एक मस्जिद की तो आवाज़ आई हमें और अजान हो गई है। अभी निकालते हैं हम खजूर, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ले लेंगे। बस छोड़ दीजिए, तो मैं सैद को भी दूँगी, सैद लो तुम, क्योंकि मैं बरीरा को पकड़ के हूँ ना। बिस्मिल्लाह मुझे भी मुँह में देना। यार चलती हुई गाड़ी में हमें अवतार करना पड़ा, ये खजूर आ गया, आ गया, पहले से सब खड़े हैं, आ गया आ गया आ गया, मेरा आशु सीता खड़ी है। चलो ये अम्मी का घर, ये माशाल्लाह। अहमद अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम अहमद, अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मिलाद उन नबी। हाँ मेरी आशु मेरी जान, क्या बरो रही थी है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अहमद भाई मुबारक हो आप लोग को ईद मिलाद उन नबी। मेरा ये अवतार नहीं है, पता है रक्षे वाले ने धोखा दे दिया था, बीच रास्ते में ला के उसने छोड़ दिया, वो बता ही नहीं, बता दो। रुशमा मामी के पास भी मौजूद है ये वाला कपड़ा, तो जा अहमद। माशाल्लाह माशाल्लाह अहमद तो बड़ा प्यारा लग रहा है, वही वाला कपड़ा है ना? ओए 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 फूफा तुम लोग तो एक जैसे लग रहे हो। आज उमैद का बर्थडे है, कल रुशबा की बर्थडे है, तो लाओ रुशबा गिफ्ट दो मुझे, बर्थडे तुम्हारी है तो क्या हुआ, गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए। हाँ बर्थडे रुशबा की है कल, चलो खाओ अफ्तार करो अब तुम लोग, ये लोग करके फारिग हो चुके हैं ना।
वाह बहुत प्यारा लग रहा है अहमद तो। हाई करो जल्दी करो फूफा के साथ। वाह व्हाइट व्हाइट पहना हुआ फूफा के साथ। बोलो लाइक, बोलो ना लाइक, बोलो फूफू का चैनल को महानूर बना दिया ये। वाह यार वाह, इधर आओ इधर आओ, ये आपका लगा ब्लैक मेरा था जो मैंने बढ़िया का फ्रॉक बनाया था पिछली बार। हाँ ये महानूर का आपा के कपड़े से बना हुआ। जल्दी बताओ, ये देखो प्यारा भाई के ऊपर चढ़ के बता रहा है। ये है प्यारा भाई अहमद, उसैद से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा उसैद का दीवाना है। कब दे दी? अम्मी हूँ, ये क्या हो गया अहमद? ये क्या है अहमद? जा बिना, ये क्या है बताओ जल्दी, ये चीज है महानूर। ये देखो चीज बट रहा है महानूर, बाहर बांट दिया था चीज सबको। अहमद खड़े हो जाओ, अहमद भाई सबका। अहमद तुम खड़े हो, पहले अहमद को दो। ये अहमद, अहमद तुम इधर देखो यार, सबको चीज बट लो। ये थे थैले में बंद कर दिया इन लोगों ने। आपने चीज दिया, लाइक करें, नबीला तू तीन पोटला लेगी भाई। सर्वर बोलना नबीला तीन पोटला, उसके तीन बच्चे हैं, मेरे चार बच्चे, मुझे चार पोटला और अहमद को दो पोटला। अहमद और आयशा यहाँ पे घर पे चीज बटा है और ये चीज जो है इसी तरह से थैले बना के बाहर भी बांटा गया है। भाई नहीं नहीं, अब हम तेरे से एक और पोटला लेंगे। नहीं नहीं, एक पोटला और चाहिए। हां भाई, भाई दो पोटला दो। नहीं हम तुमको, तुम नहीं 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 दो पोटला हमें आ कहां इधर आ, तुम इधर आ, तुम अरे वाह मेरा ये उबैद, अच्छा उबैद है। आयशा, आयशा को भी मिल गया, आयशा गंदी हो गई। सर्वर पोटला लेने के लिए टोपी पे, सर तुम पूरा मौलाना लग रहे हो। सर्वर लग रहा अभी मिलाद पढ़ने जाने वाला। अब अहमद सर्वर को चाहिए क्या? नबीला क्या बनाई? नबीला हम थोड़ी जानते हैं, तुम जानते हैं। सर्वर को एक पोटला दे दो, वो बैठा हुआ मिलाद पढ़ने के लिए। मैं पोटला दो भाई। आप ये कह रहे भाईजन की टोपी है, कैसे बनाएगी बाबू? वो भारी है यार, बिस्किट वगैरह है, बिस्किट है ना। अहमद तुम्हें मिला, मिला वाली किच्ची दे दिया। चलो भाई खट्टी वाली किच्ची दे दिया। चलो भाई अब जवाब नहीं मिले, चलिए किच्ची तेल आ गया इनको मुझे। इसकी आज बर्थडे है। इसकी आज बर्थडे है। सामने आ जा किच्ची कर। अरे वाह चाचू को, गुड जल्दी करो भाई, प्यार है ना मुच्चू दो और क्या। हाँ, 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 मामा है ना, भूख लगा दिया। कौन जीतेगा, विनर कौन होगा? आयशा ने शिमरा को गिरा दिया है। ओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अरे माशाल्लाह बहुत ज्यादा मजा आया अम्मी के घर आने के बाद, बहुत 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 ज्यादा मजा आया। आज एक बैड लक हो गया था लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत इंजॉय किया। बैड लक ये हुआ था कि आधे रास्ते में ही अजान हो गई थी और हमने जो है रक्षे में ही अपना रोज़ा खोला था, ठीक है, क्योंकि मैं घर से खजूर लेके निकली थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि हम लेट हो जाएंगे। और बैड लक ये हुआ था कि जिस रक्षे में हम आ रहे थे उस रक्षे वाले ने हमें जो है धोखा दे दिया था, बीच रास्ते में उसने हमें उतार दिया था। फिर वहाँ से हमें जो दोबारा जो है दूसरा रक्षा करना पड़ा और उसके बाद अम्मी के घर आई। अगर वो हमें बीच रास्ते में नहीं धोखा देता, नहीं उतारता, जबकि उसका कुछ भी रक्षे में कोई ख़राबी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने हमें धोखा दे दिया था कोई भी बहाना बनाकर। और उसके बाद जो है फिर वहाँ से दूसरा रक्षा लेके हमें घर आना पड़ा, वरना हम बिल्कुल भी लेट नहीं होते, 15 मिनट लेट आए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा मस्ती किया, बहुत इंजॉय किया। और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ओके। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, ओके। टाटा बाय बाय।